तो फाइनली दोस्तों, जिसका आप सभी का इंतजार था उस पीडीएफ को भी आज यहां पर जारी कर दिया गया है। बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के कोर्स के टाइम शेड्यूल के बारे में, क्योंकि आप लोग यहां पर काफ़ी कमेंट कर रहे थे। आप हमसे ये पूछ रहे थे कि सर जो है ये कोर्स जो है कितने महीनों तक चलेगी, हमें कितने महीनों तक जो है कोर्स कराया जाएगा, इसके बारे में कोई डिटेल जो है स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। पर दोस्तों यहां पर अब पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, आपको यहां पर शेड्यूल डाउनलोड करना। साथ ही दोस्तों इसमें बताएंगे कि आपका शेड्यूल जो है किस तरीके से यहाँ पर तैयार किया गया है और कब तक आपकी कोर्सें यहाँ पर चलने वाली हैं। तो दोस्तों आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन भी इनेबल करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल के लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन करें हर एक पीडीएफ फॉर्मेट को प्राप्त करने में आपको, ताकि आसानी हो सके। तो चलिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर ले चलते हैं। ऑफिशियल साइट पर आने के बाद हमने यहाँ पर abhyuday.up.gov की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लिया है। अभी आप यहां पर देखेंगे कि आपको रेड कलर की नोटिफिकेशन में 22-23 कक्षाओं के टाइम टेबल के लिए सूचना दी गई है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होगा। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे आवश्यक सूचना के अंतर्गत 22-23 कक्षाओं के टाइम टेबल के लिए सूचना। उसके बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड करके एक येलो कलर का लिंक दिया गया है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ जो है इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। तो पहले यहाँ हमने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है, वो आपको इस पीडीएफ को ओपन करके दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट ड्यूरेशन है सिविल सर्विसेज, और यहाँ पर ये है टाइम टेबल शेड्यूल 2022-23 का पीडीएफ, और ये पीडीएफ आप देखेंगे 89 पेज का यहाँ पर इस पूरे पीडीएफ को दिया गया है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ ये पूरे एक साल के लिए आपकी कोर्स चलने वाली है, और एक साल की पूरी यहाँ पर पीरियड में बता दिया गया है कि किस समय पर किस महीने तक कौन सी कोर्सेज आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों लिखा गया है फ्रॉम 10th ऑफ जून 2022 टू 27 मई 2023। देख सकते हैं यहाँ पर 10 जून से 27 मई 2023 तक जो है आपके ये कोर्सेज चलने वाली हैं। करीबन यहाँ पर आपके एक साल कम्प्लीटली ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको और अदर जानकारी दी गई है, जैसे कि 352 डेज फॉर आईएएस प्री के लिए, उसके बाद शेड्यूल डेट इज 28 मई 2023, उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ UPPCS एग्जाम 1st week of June, इस तरीके से यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। यहाँ पर देखेंगे 10 जून से 27 मई 2023 तक टोटल डेज यहाँ पर 352, उसके बाद यहाँ पर संडेज जो अपन की पड़ रही है इनमें से 50 संडे पड़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो छुट्टियाँ पड़ रही हैं वो 22 छुट्टियाँ पड़ रही हैं। टोटल यहाँ पर सब कुछ जानकारी आपको दे दी गई है, और जो छुट्टियाँ हैं कौन कौन से त्यौहार हैं किस तारीख को है वो सारी डिटेल भी देखिए यहाँ पर दे दी गई हैं। आप पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते इस पीडीएफ में। आप देखिए यहाँ पर आपका जो है एक मेन चीज़ बताया गया है प्लानिंग ऑफ क्लासेस, यानी कि आपकी जो क्लासेस चलने वाली हैं 2 क्लास इन ए डे, यानी कि एक दिन में आपकी 2 क्लासेस चलेंगी, जैसे कि एक मॉर्निंग में एक शाम में, यहाँ पे देख सकते हैं 1 इन मॉर्निंग एंड 1 इन इवनिंग, 2 जो है क्लासेस चलने वाली हैं सुबह और शाम को मिला करके। सो टोटल लेक्चरर्स कैन बी ऑर्गेनाइजेस, इस तरीके से यहाँ पर जो क्लासेस बनेंगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 48 Saturdays इन बिटवीन व्हिच आर रिजर्व फॉर मोटिवेशनल लेक्चर्स, यहाँ पर मोटिवेशनल जो है मोटिवेट भी आप सभी को किया जाएगा, अधिकारियों के द्वारा आपको कई सारी जानकारियाँ भी दी जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर नोट में भी आप देख सकते हैं प्रत्येक सैटरडे को आपको यहाँ पर जो है वीकली टेस्ट, यानी कि हफ्ते भर में जो पढ़ाएगा उसका टेस्ट लिया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा, टाक किया यानी कि मोटिवेटिव पर यहाँ पर आपसे बातचीत की जाएगी। लेक्चर्स होंगे वो भी IAS PCS ऑफिसर्स यानी अधिकारी के द्वारा, जिसकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेक्चर प्लान यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री 7 में, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके डायरेक्टली आ जाते हैं दोस्तों, आप इसे आप देख लीजिएगा, सारी जानकारी इसमें दे दी गई है। अब यहाँ पर हम आपको आ जाते हैं सीधे लेकर के पूरे शेड्यूल पर। तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल आ चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे सिविल सर्विसेज टाइम टेबल 13 जून से 27 मई 2023 तक का। तो यहाँ पर डेट दिए गए हैं और यहाँ पर टाइम दी गई है, और यहाँ पर देखिए दिन दिया गया है 13 जून 2022 को, यहाँ पर मंडे पड़ रहा है, और उस दिन देखिए 8 से 9:30 बजे के बीच में कौन कौन से यहाँ पर आपको जो टीच किया जाएगा, ये पूरी डिटेल इसमें दिया गया है। और यहाँ पर पूरी डिटेल आप देख पाएंगे, पूरा एकदम यहाँ पर सब कुछ अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया है किस डेट को किस टाइम पर क्या आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी तक हमने इस पीडीएफ में जितना यहाँ पर देखा वो है यूपीएससी प्रीलियम का, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर तक स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पे सभी का बताया गया, देखिए यहाँ पे NDA CDS का कोर्स ड्यूरेशन आ गया है, सेम प्रोसीजर इसमें भी वही बताया गया है। और आप इसमें नीचे आएंगे तो इसके भी टाइम टेबल आपको देखने को मिल जाएगी, टेंटेटिव डेट फॉर NDA CDS, उसके बाद यहाँ से टाइम डेट और यहाँ पर कोर्सें सब कुछ यहाँ पर दी गई हैं। उसी तरीके से आप इसमें देखेंगे
आप यहाँ पर आप देखेंगे कोर्स ड्यूरेशन आप जेई मेन का और यहाँ पर पूरा टोटल नंबर आप क्लासेस का दिया गया है। सभी जो है एक ही डेट से स्टार्ट होंगी सभी कोर्सों की, और इसमें जो है टाइम जो बताया गया है और समय जो बताया गया है, साथ ही इनके जो डिवाइड किए गए हैं समय, सब कुछ इसमें जानकारी दे दी गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर वही चीज़ें हैं, वही समय और तारीख, उसके बाद सिर्फ यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको पढ़ाया जाएगा। आप यहाँ पर हमने स्क्रॉल करते हुए नीचे आया, वहाँ पर देखेंगे नीट का दिया गया है, सभी का यहाँ पर दे दिया गया। दोस्तों देख सकते हैं 89 पेज का पूरा PDF आप इसे आसानी से ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से डाउनलोड कर पाएंगे और उसमें अपना टाइम टेबल देख पाएंगे किस डेट को आपको क्या कोर्सों की तैयारी कराई जाएगी। पूरा यहाँ पर आपको लास्ट में ले चलते हैं दोस्तों, आपको दिखा देते हैं कि लास्ट आपकी डेट यहाँ पर जो है आप कन्फर्म हो जाएंगे। यहाँ आप देख पाएंगे अप्रैल 2023 का भी आ चुका है, 10 अप्रैल 2023, 16 अप्रैल 2023 को संडे ऑफ रहेगा। तो ये कोर्सें पूरी जो है नीट की हैं, एग्जाम 4th वीक का, और यहाँ पर इस तरीके से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से देख पाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर हमने जो अगली वीडियो यहाँ पर डाली है पहले ऑलरेडी मेरठ डिवीज़न की, तो उसमें आप लोग काफ़ी ये कमेंट कर रहे हैं कि इसमें हमारा नाम नहीं है। तो देखिए वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से भी बता दिया गया है कि जो लोग अपना होम डिस्ट्रिक्ट अलग डाल लेते हैं तो उनका वो लिस्ट उनके ही डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ये सिर्फ जो है मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो अपना डाले थे होम डिस्ट्रिक्ट, उन्हीं का जो है इसमें नाम से रिलेटेड है। अगर आपने मेरठ मंडल के अंतर्गत किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट को चूज किया है तो वहाँ पर आपका लिस्ट में नाम उस डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको कच्ची नोटिफिकेशन जरूर मिली होगी। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।